नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ एंड्स के एक और एजुकेशनल सीरीज इनिशिएटिव के वीडियो पे। आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो है और अगर उनको COVID-19 के सिम्टम्स आते हैं तो वो क्या क्या स्टेप्स लेंगे या क्या प्रिकॉशंस लेंगे अपने इन्फेंट को इस डिजीज को होने से बचाने के लिए। सबसे पहला तो अगर मदर कन्फर्म्ड है COVID-19 के लिए तो डेफिनेटली उन्हें आइसोलेशन करना पड़ेगा, अपने आप को बेबी से सेपरेट रखना है बाकी टाइम के लिए। फीडिंग के टाइम पे कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, घर के बाकी लोग बच्चे का ख्याल रखेंगे लेकिन जिस समय बच्चा भूखा है डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग में जो ब्रेस्ट मिल्क है दैट इज अ वेरी बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द बेबी, क्योंकि वो काफ़ी सारी बीमारियों से प्रोटेक्शन भी देते हैं। और अभी तक जितने भी स्टडीज, भले लिमिटेड स्टडीज हुई है क्योंकि ये कोरोना वायरस काफ़ी नया है, वुहान में एक स्टडी हुआ है मिस्टर जेंग इटाल ने किया था जिसमें 38 इन्फेक्टेड मदर्स का टेस्ट चेकअप हुआ था, जिसमें इंट्रायूट्राइन ट्रांसमिशन की बात नहीं आई है। कि जो 38 मदर्स थे उसमें से 33 मदर्स के बेबीज नेगेटिव आए हैं आफ्टर डिलीवरी, उनका जो है नेगेटिव टेस्ट हुए हैं फॉर द COVID-19। 3 लोगों का COVID-19 टेस्ट भले ही पॉजिटिव आया है लेकिन वो उनका कैच ये था कि उन्होंने काफ़ी दिन बाद टेस्टिंग किया था, तो इसीलिए हो सकता है कि वो इट इज़ नॉट कि इंट्रायूट्राइन स्प्रेड नहीं हुआ है, बाद में हो सकता है पर्सन टू पर्सन स्प्रेड की तरह ही बेबी को वो इन्फेक्शन आया हो। दूसरी बात है कि उन्होंने एज पर CDC गाइडलाइंस भी मैटरनल सैंपल्स, एमनियोटिक फ्लूइड या ब्रेस्ट मिल्क में ये वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो ब्रेस्ट फीडिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर मदर को ज़्यादा नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो फिर ये चीज करें कि ब्रेस्ट फीडिंग से पहले, बेबी को टच करने से पहले अपने हाथ अच्छे से धोएं, प्रॉपर मास्क पहने और बेबी को फीड करें और प्रॉपरली अपने आप कोशिश करें अपना फेस जो है जितना हो सके बेबी से डिस्टेंस बना के फिर अपना फीडिंग दें। अगर मदर ज्यादा सिक है, ज्यादा बीमार है तो डेफिनेटली शी शुड चूज टू एक्सप्रेस मिल्क फॉर द बेबी, उसके लिए एक डेडिकेटेड ब्रेस्ट पंप हो और उसमें भी ये करना है कि वो खुद भी अपने हाथ अच्छे से धोएं और उस ब्रेस्ट पंप के जो बॉटल्स और पार्ट्स हैं उनको भी अच्छे से स्टेरिलाइज या साफ करके उसमें ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस आउट करें और उसके बाद घर में जो स्वस्थ बंदा है वो उस ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को बेबी को फीड करें। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय।